नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी मैम न्यूज और मैं हूं आपके साथ प्रीति चंदा। देश प्रदेश से जुड़ी बड़ी खबरों के साथ आईएसबीटी बस अड्डे पर नजर आया अमृतपाल, साधु के वेश में साथी संग दिखाई दिया। पंजाब दिल्ली पुलिस अलर्ट, खालिस्तान समर्थक अमृतपाल सिंह व उसके साथियों की तलाश में पंजाब पुलिस एक और जहां पूरे प्रदेश में अलर्ट है, वहीं इसी बीच खबर आ रही है कि अमृतपाल को उसके एक साथी पप्पलप्रीत सिंह के साथ आईएसबीटी बस अड्डे पर देखा गया। सूत्रों के मुताबिक शुक्रवार को अमृतपाल साधु के वेश में नजर आया है। खुफिया सूचना मिलने के बाद दिल्ली और पंजाब पुलिस की टीमें दिल्ली और इसकी सीमाओं पर तलाशी अभियान चला रही हैं। पंजाब में टोर्नेडो का कहर, फाजलिका में 3 दर्जन मकानों की छत और दीवारें गिरी, 9 लोग घायल। पंजाब के फाजलिका में टोर्नेडो चक्रवाती तूफान का कहर देखने को मिला। राजस्थान बॉर्डर से सटे पंजाब के गांव बकेनवाला में इस टोर्नेडो की वजह से 3 दर्जन मकानों की छत व दीवार गिर गई है, जिसमें 3 महिलाओं समेत 9 लोग घायल हो गए। इस दौरान आसमान में टोर्नेडो का भयावह नजारा देखकर लोगों में दहशत फैल गई है। इसके बाद फजालिका की डीसी सेनू दुग्गल और विधायक नरेंद्र पाल सामना मौके पर पहुंचे, उन्होंने नुकसान की भरपाई का भरोसा दिया। योगी के दूसरे कार्यकाल का 1 साल पूरा होने पर मुख्यमंत्री ने दिया उपलब्धियों का ब्यौरा, बोले हमने नया यूपी बनाया। जी हां, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने दूसरे कार्यकाल के पहले वर्ष की उपलब्धियों का ब्यौरा जनता के सामने रखा। इस मौके पर उन्होंने कहा कि बीते 6 वर्षों में हमने नया यूपी बनाया है। 6 वर्ष पहले लोग कहते थे कि यूपी में कभी विकास नहीं हो सकता, आज पूरा प्रदेश विकास की दौड़ में पहले स्थान पर जगह बना रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि ये वही उत्तर प्रदेश है जो पहले हर दूसरे तीसरे दिन दंगा होने और परिवारवाद के कारण जाना जाता था, पर अब यूपी की नई छवि देश और दुनिया के सामने। फतेहाबाद में कुट्टू आटे को लेकर सीएम फ्लाइंग ने की दुकानों पर छापेमारी, 16 किलो आटा बरामद। नवरात्रा पर कुट्टू आटे की रोटी खाने से कई शहरों में लोगों की तबीयत खराब होने के चलते शुक्रवार को मुख्यमंत्री उड़न दस्ता ने खाद्य और औषधि प्रशासन विभाग की टीम को साथ लेकर किरियाना दुकानों पर छापेमारी की। टीम ने दोपहर तक 3 दुकानों पर छापेमारी की। इस दौरान जवाहर चौक स्थित यू लाइक वैरायटी स्टोर से करीब 16 किलो कुट्टू का आटा पैकिंग में बरामद हुआ। खाद्य व औषधि प्रशासन विभाग टीम ने मौके पर कुट्टू के आटे के सैंपल लेकर सील कर दिए। गंगोत्री हाईवे धरासू बैंड के पास आया मलबा और बोल्डर, बड़े वाहनों की आवाजाही थमी। उत्तराखंड में बीते कुछ दिनों में मौसम का मिजाज बदला हुआ है। आज भी प्रदेश के कई हिस्सों में बादल छाए हुए हैं। शुक्रवार रात की बारिश के कारण तापमान में गिरावट आ गई। वहीं आज शनिवार सुबह गंगोत्री हाईवे धरासू बैंड के पास मलबा और बोल्डर आने से ये रास्ता बंद कर दिया गया है। देश प्रदेश से जुड़ी हर बड़ी खबर पाने के लिए आप अभी सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल सिटी वैब को। अगर आप हमें Facebook या Instagram पर देख रहे हैं, फॉलो जरूर करें।